सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले यार कुछ ऐसी एनआईटीज की जो आपको लो रैंक पे एडमिशन दे रही होती है, राइट। अब ये जो कुछ एनआईटीज हैं यार, ये आपके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जब आपको इनसे बेटर ऑप्शन ना मिल रहा हो तब आप इनमें जा रहे हो, राइट। अगर आपको एनआईटी का टैग ही चाहिए तो आप इनमें जा सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जितनी भी रैंक्स हैं वो आपके सीसैप राउंड्स की हैं, राइट। आपके सीसैप के सेकंड राउंड की आपकी रैंक्स निकाली हुई हैं। और अगर आपको टॉप के एनआईटीज की भी कट ऑफ चाहिए होंगी सीसैप के राउंड की, तो उन पे अलग से सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ओके। और एक और चीज़ मैं बता दूं यार कि मतलब जो भी इसमें होम स्टेट्स वगैरह नहीं लिखे हैं जिस एनआईटी के, वो आपका कुछ कुछ ऐसा है कि शायद उनकी सीट्स पहले ही खत्म हो गई थी होम स्टेट्स की, जोसा के सेवन्थ राउंड में खत्म हो गई थी या सीसैप के फर्स्ट राउंड में खत्म हो गई थी, राइट। और ये सारी की सारी जनरल रैंक हैं। अगर आपको एससी एसटी या ओबीसी की रैंक्स चाहिए तो उन पे या तो वीडियो बना देंगे या मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप अपनी कैटेगरी वाइज रैंक चेक कर सकते हैं, ओके। तो बिना किसी देरी के यार अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार आप में से बहुत लोगों ने अपना जेई का रिजल्ट देखा होगा, तो उसमें जो परसेंटाइल आती है उसके बेसिस पे कुछ रैंक्स निकलती है, राइट। तो जो सीआरएल रैंक है उनके बेसिस पे हम ये एनआईटीज देख रहे होंगे। तो सबसे पहले एनआईटी की बात करें तो आपकी आती है एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो होम स्टेट्स में आपकी 89,632 गई थी और अदर स्टेट्स में 41,672 तक क्लोज हो गई थी, ओके। और ये कौन सी ब्रांच थी? ये आपकी थी सिविल इंजीनियरिंग। मतलब ये आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर आपको सीएससी में जाना है तो आपको अच्छी रैंक्स लानी पड़ेंगी, राइट। अगर आप सिर्फ आपको टैग चाहिए तो आप सिविल इंजीनियरिंग लाके और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 90,000 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगली एनआईटी की बात करें तो आपकी है एनआईटी मेघालय, राइट। अगर हम इसकी जो होम स्टेट्स इसमें गिवन नहीं था, और अगर हम इसकी अदर स्टेट्स की बात करें तो 51,350 पे ये ऑल इंडिया कोटा है, इसमें क्लोज हुई थी। कौन सी ब्रांच? आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी, ओके। अगली एनआईटी कर ले तो बात करें तो आपकी एनआईटी मणिपुर। एनआईटी मणिपुर में आपकी होम स्टेट कोटा लगता है 262,180 रैंक गई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ओके। और अदर स्टेट में जो हाईएस्ट रैंक गई थी वो गई थी सिविल इंजीनियरिंग में 59,076, ओके। सिक्किम की बात कर ले एनआईटी सिक्किम की, तो आपकी 59,278 पे क्लोज हो गई थी आपकी सिविल ब्रांच से, ओके। अगली एनआईटी पे चले तो आपकी एनआईटी नागालैंड है, और इस ये जो क्लोज इसकी क्लोजिंग रैंक है वो आपकी 68,385, वो भी आपकी सिविल ब्रांच में ही ऐड हो गई थी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी सिविल ब्रांच है। अब जो कुछ एनआईटीज होती है टॉप की, ठीक है, उनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, आपकी प्रोडक्शन होती है, टेक्सटाइल होती है, इस टाइप की ब्रांचेज आ रही होती हैं। ऐसी ऐसी ब्रांचेज होंगी आपने शायद उनके बारे में सुना ना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कट ऑफ्स और वेरी कर जाती हैं। सीएस के लिए कुछ और कट ऑफ होगी, बहुत अच्छी कट ऑफ्स होंगी क्योंकि बहुत अच्छी एनआईटीज हैं। और जो नीचे की ब्रांचेज, जो अलग ब्रांचेज हैं, उनकी कट ऑफ्स बहुत अलग होगी। तो अगर आपको वीडियोज उन पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके लिख देना, उन पे भी जल्दी ही वीडियोस आ जाएगी क्योंकि अब आपके कॉलेज में एडमिशन के टाइम्स आ रहे हैं, राइट। अब थोड़ा सा और एनआईटी देखें तो एनआईटी मिजोरम की हम बात कर लेते हैं। इसकी भी जो क्लोजिंग रैंक थी वो आपकी 69,683 गई थी, ये भी आपकी सिविल ब्रांच से गई थी, राइट। और अगली एनआईटी की बात करें तो अगरतला की है आपकी एनआईटी अगरतला। होम स्टेट्स में इसकी गई थी 395,971, जो कि आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से गई थी, और अदर स्टेट्स में आपकी 79,746, जो कि आपकी ब्रांच थी केमिस्ट्री डुअल डिग्री। यहाँ पे डुअल डिग्री मिलती है। डुअल डिग्री क्या होती है कि मतलब 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, या फिर आपको 2 डिग्री जाएंगी और 2 कराई जाएंगी, राइट। मास्टर्स कोर्स भी कराया जाएगा। अगली एनआईटी की बात कर ले तो आपका एनआईटी श्रीनगर, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, राइट। इसकी जो होम स्टेट्स की कट ऑफ गई थी वो 237,673, जो कि आपकी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल ब्रांच से थी। अब इसी सेम ब्रांच से अदर स्टेट में भी इसकी कट ऑफ गई थी, जो थी अदर स्टेट्स में थी 75,978, मतलब अप्रोक्सली 76,000 तक एक एनआईटी श्रीनगर क्लोज हो गई थी। अब एक चीज़ ध्यान रखना यार कि अगर आपके पास इनसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, राइट।
और अगर मैं बात करूँ जैसे NIT मेघालय हुए, मणिपुर हुए, आपकी अगरतला हुई, इस टाइप की जो NIT जो आपकी ईस्टर्न साइड में, तो आप इनमें अगर आपको नॉर्दर्न साइड में अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आप या फिर साउथ से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ता है, राइट। तो चूज़ वाइजली, जैसे मिजोरम हुआ काफ़ी दूर है, तो आपको देखना होगा कि आपकी लोकेशन क्या है, राइट, और आपको कितना मतलब अफोर्डेबल है आना जाना और बाकी सारी चीज़ें, वहाँ पे रहना आपके लिए सही है कि नहीं, वहाँ की लैंग्वेज क्या पता अलग हो, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मैटर करेंगी। तो अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं तो आप वो ज़रूर चूज़ करें। अगर आपको NIT का टैग ही चाहिए और आपकी रैंक कम है तो आप ये कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं। अगर हाँ आपकी और भी रैंक मतलब आपकी कैटेगरी जो है वो OBC में है, SC में, ST में, तो आपकी रैंक्स और नीचे तक जा सकती है, आपकी CRL रैंक्स। अगर आपको डीप में पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आगे लिखना और हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और धड़ाधड़ कॉलेज रिव्यूज़ आए जा रहे हैं, आप पुराना कंटेंट जाके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।